हरि ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वो श्री कृष्ण भगवान की जय। वो श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण दूसरा स्कंद 8वां अध्याय। लगे परीक्षित पूछने धर्म अरुवेद पुराण, कहु मुनीश्वर अब सकल योगाभ्यास बखान। सूजी कहने लगे, हे शौनक, राजा परीक्षित ने जब भगवान के 24 अवतारों की कथा सुनी तब उनके हृदय का समस्त महाअंधकार समाप्त हो गया और शुद्ध अंतःकरण हुए। उन्हें मुनि श्री सुखदेव जी से प्रश्न करने लगे। राजा परीक्षित बोले, हे मुनि सत्तम, अब आप भगवान की लीलाओं का वर्णन कीजिए जो आदि ज्योति स्वरूप निराकार सच्चिदानंद घन स्वरूप जिनसे समस्त चराचर उत्पन्न होकर कैसा सुंदर प्रतीत होता है कि जिनके अनेक स्वरूपों का कोई भी भेद नहीं जान पाता, उन भगवान के यश की लीला सविस्तार मैं सुनना चाहता हूँ। और यह भी बताइए कि गए हुए युगों में कौन कौन राजा ईश्वर चिंतवन करते हुए देह त्याग कर परम धाम को पहुँचे। धर्म वेद तथा पुराण इतिहास का अर्थ तथा स्वरूप मुझे बताइए और योगाभ्यास क्या वस्तु है और कैसे किया जाता है। क्या यह सब पृथक पृथक नाम से एक ही फल स्वरूप है। सुखदेव जी कहने लगे, हे नृपेंद्र, यह मनुष्य देह बारंबार नहीं मिलती, फिर भी इसको पाकर मनुष्य अगले जन्म जीवन को शुभ कर्मों द्वारा नहीं सुधारना चाहता तो वह स्वयं दुखों को निरंतर भोगता रहेगा। ऐसा पुरुष जीवित रहता हुआ भी संसार में मृतिक स्वरूप की तरह जहाँ तहाँ व्यर्थ भटकता रहता है। इसलिए हे राजन, इस मनुज तन को पाकर हमें भगवान की लीला तथा उत्तम कथा आदि श्रवण करना ही सर्वथा कल्याणदायक प्रतीत होता है। वही परमात्मा विश्व को उत्पन्न करता है और वही नाश भी करता है। जैसे मनुष्य अपने मुख को दर्पण में देखकर प्रसन्न होता है और फिर उस दर्पण को मुख के सामने से हटा देने पर कुछ भी नहीं दिखता, उसी तरह जब देखना चाहे तो देख लेता है और ना देखना चाहे तो नहीं देख सकता। यही कार्य ईश्वर का है, जब चाहे विश्व को रच डाले और जब चाहे विनाश कर डाले। ज्ञानी मनुष्य तो नारायण भगवान के 24 अवतारों की उत्तम कथाएं सुनकर तथा अनन्य भाव से उस पर ब्रह्म स्वरूप में लीन होते हुए परम धाम को प्राप्त होते हैं। ज्ञानी पुरुष परमात्मा को सर्वव्यापक स्वरूप समझकर चींटी से लेकर हाथियों में भी व्यापक रूप से देखते हैं। इसी भावना द्वारा ये किसी भी जीवधारी को कष्ट नहीं दिया करते। सूजी बोले, हे शौनकादि ऋषिश्वरो, जिस समाचार को राजा परीक्षित ने मुनि सुखदेव से पूछा है वही वृतांत एक समय ब्रह्मकल्प में श्री पितामह ब्रह्मा ने भी भगवान नारायण जी से पूछा था। सो मैं प्रथम तुमको श्रीमद् भागवत का मूल हाल तथा मति वर्णन करता हुआ उस आख्यान को कहूँगा। 9वां अध्याय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ब्रह्म जन्म गाथा प्रथम श्लोक भागवत 4। व्योम बाणी हरि ने करी कही मुनीश विचार। मुनि सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, भगवान नारायण चतुर्भुज स्वरूप की नाभि से कमल का फूल उत्पन्न हुआ, उसमें श्री ब्रह्मा जी का जन्म हुआ। ब्रह्मा जी ने जन्म लेकर मन में विचार किया कि मैं यहाँ कैसे आया और मेरे माता पिता कौन हैं, अकेला जल मध्य कमल पर कैसे बैठा हूँ, भेद ना जानकर अंत में वहीं स्थिर बैठे रहे। देखिए, प्रभु की माया इतनी प्रबल है कि कोई भी उसको समझ नहीं सकता। माया पश में बंधे हुए अन्य पुरुष तो जान ही क्या सकते हैं, जबकि ऋषि मुनि आदि भी उस परमात्मा की थाह ना पा सके। हे राजन, इस प्रकार ब्रह्मा जी कमल आसन पर स्थित ही थे कि उनको नव वाणी सुनाई दी और जिस वाणी में मूल श्री मद्भागवत के 4 श्लोक थे। ब्रह्मा जी को इन्हीं श्लोकों के श्रवण से ज्ञान उदय हुआ और एकाएक उनको तप तप दो शब्द सुनाई दिए थे।
तब वे तप करने लगे और तप द्वारा उनका अंतःकरण निर्मल हुआ और उन चारों श्लोकों का अर्थ समझ गए एवं हृदय में परमात्मा का चिंतन करते हुए विश्व की रचना करने की इच्छा प्रकट हुई। चार श्लोकों का भावार्थ यह है कि हे ब्रह्मा, मैं सबों से आदि काल में था, मुझसे अन्य कोई पहला नहीं, तुम्हें जो दिखाई दे रहा है वह मेरा ही स्वरूप समझिए। महाप्रलय के होने पर भी मेरे अतिरिक्त कुछ भी नहीं रहेगा, सबका मूल कारण मैं ही हूँ। स्वर्ण के गहने पृथक पृथक नाम से पुकारे जाते हैं, किंतु उनके गला देने पर वह स्वर्ण हो जाते हैं। वैसे ही मुझे समझिए, मैं अपनी इच्छा से अनेकों अवतार रूप धारण करता हूँ और अंत में फिर उसी एक स्वरूप में रमने लगता हूँ, और समस्त प्राणी मेरे ही शक्ति सामर्थ्य से चलते फिरते देखते उठते बैठते हैं तथा उनको ज्ञान शक्ति आदि सब प्रताप मेरी ही ज्योति से होता है, ऐसा समझना चाहिए। समस्त लोक तथा भुवन आदि सब मेरे ही वशीभूत हैं, मुझसे परे कोई भी वस्तु नहीं है। मेरे विराट स्वरूप में पांचों तत्व अधीन हैं, जिससे इस शरीर की रचना रची जाती है। चारों वर्ण का जन्मदाता एवं ज्ञानदाता केवल मैं ही हूँ और मेरा ही उन उन वर्णों से प्रकाश जलकता है। अतएव ज्ञानी मनुष्य सबों में एक मेरे ही आत्मस्वरूप का अवलोकन किया करते हैं। जैसे सूर्य का प्रतिबिंब पृथक पृथक जल भरे हुए घड़ों में एक सूर्य के होते हुए भी अनेक सूर्य रूप दिखाता हुआ भिन्न भिन्न स्वरूप धारण करता है, बस उसी प्रकार मैं भी एक ही रहता हुआ समस्त प्राणियों में अनेकों रूप में व्याप्त रहता हूँ। हे ब्रह्मा जी, मुझे सर्वव्यापी जानकर विश्व की रचना रचिए। सांसारिक प्रपंचों में फंसकर जीव कदापि आनंद प्राप्त नहीं करता, अतः आप संसारी माया को त्याग कर सानंद तप करो, जिससे मेरे दिव्य दर्शन पाओगे। अपने चित्त में दया धारण कर जब आप प्राणियों की रचना करोगे, तब ज्ञानी ऋषिश्वर मुनीश्वर आदि सभी आपकी स्तुतियां गाया करेंगे। तुम्हें विश्व रचना करने में कोई भी आपत्ति ना उठानी पड़ेगी। तुम मेरे चतुर्भुज रूप का ध्यान हृदय में सदैव करते रहो। इस प्रकार से ब्रह्मा जी ने जब आकाशवाणी सुनी, तब ध्यान स्वरूप में भगवान नारायण की मूर्ति सन्मुख दिखाई दी। ब्रह्मा जी शीघ्र उनके चरणों में प्रणाम करने लगे और बोले, हे दीन बंधु, मुझे आप यही वर दीजिए कि मैं आपको सदैव स्वामी समझता रहूं, मुझे सांसारिक व्यवहार मिथ्या दिखता रहे और आपके चरण कमलों में सदैव मेरा ध्यान बना रहे। सुखदेव जी कहने लगे, हे राजा परीक्षित, भगवान नारायण तथास्तु, अर्थात जो तुमने मांगा वह तुमको दिया, ऐसा कहते हुए ब्रह्मा के ध्यान से गुप्त हो गए। ब्रह्मा जी ने इसी उपदेश से तप किया था और तपस्या के प्रभाव से सृष्टि की रचना की और अपने पुत्र नारद जी को यह चतुश्लोक की भागवत का ज्ञानोपदेश दिया, क्योंकि यह उपदेश ग्रहण करने योग्य था। श्री नारद जी ने फिर यही उपदेश मुनि पराशर के पुत्र वेदव्यास जी को दिया और हे राजन, हमारे पिता वेदव्यास जी ने उसको विस्तार सहित लिखकर लोक कल्याणार्थ एक महान ग्रंथ की रचना की। उन्होंने लिखे हुए श्रीमद् भागवत पुराण को मुझे बताया। फिर मैत्रेय महर्षि ने श्री यमुना तट पर नीतिज्ञ विदुर जी को बताया, हे राजन, मैं तब तुमको वही उत्तम श्रीमद् भागवत पुराण की कथा श्रवण कराता हूँ, जिससे हरि भगवान में भक्ति प्रकट होती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दशवां अध्याय। पांच तत्व से देह अरु इंद्रिय प्रकट प्रसंग, बैठे निज निज ठौर सब देह समूह अनंग। श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, इस श्री मद भागवत की कथा 10 प्रकार की है, उनका मैं वर्णन करता हूँ। पहला विश्व की उत्पत्ति, दूसरा विश्व का विनाश होना, तीसरा विश्व को अचल रखना, चौथा सब प्राणियों का पालन पोषण करना, पांचवा भगवान हरि की लीलाएं, छठवां मनवंत्रों का प्रसंग, सातवां परमेश्वर की उत्तम कथा, आठवां वैराग्य शील मुक्ति, नौवां निरोध अर्थात चित्त शक्ति के साथ लीन हो जाना तथा दसवां ईश्वर आश्रय। यह 10 विषय युक्त श्रीमद् भागवत पुराण को समझना चाहिए। हे राजन, विराट पुरुष भगवान जब अंडे से बाहर आए, तब उन्होंने अपने निवास करने के लिए उत्तम स्थान ढूंढा, तब जल की सृष्टि उत्पन्न की, वे शेषनाग की छाती पर जाकर लेटे। नार अर्थात जल ही है, अयन अर्थात स्थान, जिनका
जिनका उनका नाम नारायण, इस नाम से भगवान नारायण विख्यात हुए, अर्थात स्थान जिनका उनका नाम नारायण, इस नाम से भगवान ने भगवान नारायण विख्यात हुए। सृष्टि के आदि में उन्होंने अपनी प्रबल माया को आज्ञा दी कि सृष्टि की वृद्धि के लिए कोई साधन करो। ऐसी आज्ञा सुनकर उस दैवी माया ने उसी क्षण तीन लोक, स्वर्ग, मृत्यु तथा पाताल रच डाले तथा सात्विक, राजस तथा तामस, यह तीन गुण उत्पन्न किए। इनके पश्चात सात्विक गुण से पांच ज्ञान इंद्रियां, जो के नेत्र, नासिका, जीभा, कर्ण, त्वचा रची, तथा राजस गुण से पांच कर्म इंद्रियां, जो के हाथ, पांव, लिंग, गुदा तथा बाणी हैं, इनकी रचना की, और तामस गुण से अहंकार बनाया। इसके अतिरिक्त तमो गुण से पृथ्वी, जल, पावक, आकाश तथा यह पांच तत्व बने, तथा सतो गुण से शब्द, मूर्ति, स्वाद, सूंघना तथा बुद्धि सब प्राणियों की देह में व्याप्त किए, और देह की दशों इंद्रियों, दशों देवताओं को समर्पण कर दी। जैसे मुख में अग्निदेव, जीभा में वरुण देव, कान में दिशाएं, नासिका में अश्विनी कुमार, नेत्रों में सूर्य देव, हाथ में इंद्र, लिंग में मित्रा वरुण, गुदा में यमराज, पांव में विष्णु देव और बुद्धि में ब्रह्मा जी सदैव निवास करते हैं। अब समस्त देवताओं ने विचार किया कि अपने अपने प्रताप से हम सब इस देह को चैतन्य करके हिलावें जुलावें। अतः ऐसा निश्चय करके उन्होंने अपनी अपनी सामर्थ्य से अनेकों ही उपाय किए, किंतु वह मूर्ति कुछ भी हिल ना सकी। अंत में विविश होकर वायु की ओर संकेत किया कि वायु देव ही हमारे मनोरथ सिद्ध करेंगे, किंतु उनसे भी कार्य सिद्ध ना हुआ। तब समस्त देवता श्री नारायण प्रभु के चरणारविंदों में ध्यान लगाते हुए उनकी स्तुति करने लगे। हे देव देव, आपने ही इस स्थूल शरीर की रचना की है, अतः आप ही इसे जागृत कर सकते हैं। हे प्रभु, हमारी शक्ति अब कोई काम नहीं कर सकती। हे जगतकर्ता, आपकी कृपा बिना भला हम किस प्रकार इस देह को उठा सकते हैं। तब आदि ज्योति निराकार स्वरूप ने अपना तेज उस मूर्ति पर डाला। तब शीघ्र ही वह निज निज स्थानों पर स्थित देवताओं के साथ उठकर खड़ी हुई और चलने फिरने की शक्ति पाकर शब्द द्वारा ईश्वर की स्तुति करने लगी। हे राजन, इस शरीर में समस्त देवगण अपने अपने स्थानों पर बैठे हुए यही रचना करते रहते हैं कि हाथ से दान होता रहे, जीभा से ईश्वर का भजन होता रहे, कानों से उनकी कथा सुना करें और चरणों से तीर्थ यात्रा एवं देव स्थान गमन होता रहे, नेत्रों से परमात्मा की सुंदर छवि निहारा करें जिससे अंतःकरण शुद्ध होवे। मनुष्य की देह में रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण में से एक तो सदैव ही बना रहता है। एक गुण के अनंतर जब दूसरा गुण जागृत होता है, तब पहला गुण शीघ्र ही नट के खेल के सदृश लक्षित हो जाता है। हे राजन, यह कथा मैंने तुमको संक्षेप से ब्रह्मकल्प की कही है। इसी प्रकार मनुष्य देह उत्पन्न होती है। हे राजा परीक्षित, अब मैं तुमसे पद्म कल्प का वर्णन कर रहा हूँ, आप ध्यान पूर्वक सुनिए। दूसरा स्कंद समाप्त। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवं हरिं, श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लवं जानकी नायकं श्रीरामचंद्रं भजे। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय।
ओ श्री सुखदेव जी भगवान की जय।